बच्चों आगे देखेंगे इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स। क्या चीज देखेंगे? इंजेक्टेबल और इम्प्लांट। इंजेक्टेबल का मतलब होता है इंजेक्शन देना, इम्प्लांट्स का मतलब होता है इम्प्लांटेशन करना। क्या इम्प्लांटेशन करना, इम्प्लांटेशन करना क्या चीज है, ये सारी बातें हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। पहली बात आती, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ बस प्रोजेस्टेरोन याद रखना, प्रोजेस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोजेस्टेरोन रहेगा दूसरी चीजों को रोकेगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, इसमें लिखा हार्मोनल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। तो सिंपल सी बात है, हार्मोन कौन सा होगा तो वो प्रोजेस्टेरोन होगा। तो प्योर प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं, उसका एनालॉगस होगा, उसका एक दूसरा रूप होगा। जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा वो उसका क्या होगा, वो उसका बेटा दूसरा रूप होगा। ये बात समझ रहे हो ना? तो मैं बेटा इंजेक्टेबल या इम्प्लांट डिस्कस कर रहा था, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट की बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इसमें इंजेक्टेबल का मतलब होता है इंजेक्शन देना, इम्प्लांट्स का मतलब होता है बॉडी में किसी भी चीज को लगा देना। बात ये आती है कि मैंने आपको एक शब्द बोला प्रोजेस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आखिरकार प्रोजेस्टेरोन का क्या यूज है? जैसे मैंने बोला डीपो प्रोवेरा, पहले हम लोग इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल इम्प्लांट क्या है, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल किया गया। तो पहली बात है कि हार्मोन कौन सा यूज होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। दूसरा मैंने बोला एक होता है डीपो प्रोवेरा, किस केमिकल का नाम, इंजेक्शन का नाम होता है डीपो प्रोवेरा इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एनालॉग। एनालॉग का मतलब क्या, प्रोजेस्टेरोन की तरह दिखने वाला केमिकल, प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। डीपो प्रोवेरा नाम का एक इंजेक्शन दे दिया जाए तो वो 3 महीने तक प्रभावी होता है, 3 महीने तक प्रेगनेंसी के चांस को वो खत्म कर देता है, क्योंकि सिंपल सी बात है ओवुलेशन वगैरह यही सारी बातें रोक देगा। दूसरी बात आती है, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, एक मैंने लिखा है DMPA, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये 3 महीने के लिए काम करता है, जबकि एक और होता है NETEN, ये 2 महीने के लिए काम करता है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला इम्प्लांट्स में मैंने इम्प्लांट्स क्या किया जाता है, सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे कुछ कैप्सूल लगाए जाते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं और इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन भरा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन भरा होता है, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट रहता है, कुछ 5 साल के लिए काम करते हो, कुछ 1 साल के लिए। जैसे मैंने बताया कि फॉर इम्प्लांट्स क्या, इम्प्लांटेशन करना 5 साल के लिए होता है, 6 माचिस की तीली के समान, क्या 6 माचिस की तीली के समान के कैप्सूल होते हैं जिनमें क्या भरा रहता है, प्रोजेस्टेरोन भरा रहता है। मैंने कल लिखा 6 स्टिक कैप्सूल मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन पॉलीमर, 6 स्टिक कैप्सूल मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन पॉलीमर और फिल्ड विद प्रोजेस्टेरोन, किससे भरे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के भरे होते हैं। इम्प्लांटेड सबडर्मली अंडर लोकल एनेस्थीसिया, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट तो लगा नहीं दिया जाएगा, क्या तुम्हें हम सर्जरी करके ये लगा दे, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद ही इनको लगाया जाएगा। ऐसे नहीं लगा दिया जाता, लाव कट करी इंजेक्शन लगा दिया, तो यहाँ लगाना है तो स्किन को कट करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके बाद इनको लगाया जाएगा। तो याद रखना, ऐसे पूछा जाता है इम्प्लांट्स में कितने 6 स्टिक के कैप्सूल लगाए जाते हैं, कितने साल के लिए काम करता है, कितने साल के लिए काम करता है, 5 साल के लिए। दूसरा मैंने बोला इम्प्लेनॉन में क्या होता है, सिंगल कैप्सूल होता है जो कि 3 साल के लिए वर्क करता है, कितना होता है, सिंगल कैप्सूल होता है जो कि 3 साल के लिए काम करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बात है सर्जिकल मेथड, क्या चीज डिस्कस करेंगे बेटा, सर्जिकल मेथड में क्या है, सर्जरी करके रोकना, इसमें बेसेक्टोमी होती है और ट्यूबेक्टोमी होती है। बेसेक्टोमी मेल में की जाती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है। बेसेक्टोमी किसे, बी फॉर बेसेक्टोमी, बी फॉर बास्ट डिफरेंस, इसमें बास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। तो बेसेक्टोमी किसमें होती है, मेल में होती है, जबकि ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, फीमेल में। बस कभी भी क्वेश्चन आया फालतू का मैं बता तो बहुत एक्स्ट्रा रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं पढ़ना है, जब भी क्वेश्चन बनता है ऐसे पूछ लेते, बेसेक्टोमी किसमें किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी किसमें किया जाता है। इतनी चीज समझ गया, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में, इतना देख लो आप लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने सर्जिकल मेथड के बारे में लिखा। सर्जिकल मेथड का दूसरा नाम होता है स्टरलाइजेशन और इसे टर्मिनल मेथड कहते हैं। इसमें मैंने लिखा है ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट प्रीवेंट कॉन्सेप्शन, ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोकता है जिस कारण से कॉन्सेप्शन नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होता है। इसमें 2 तरीके बताए मैंने, एक वैसेक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। पीएमटी में जब भी क्वेश्चन आए यही आया और कोई क्वेश्चन आता नहीं है, यही याद रखना। ये तो जितनी भी चीजें लिख दी है सब फालतू के एक्स्ट्रा लिख दी है। जैसे लिखा है कट बास्ट डिफरेंस सो इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म डज नॉट अकर, आपको याद होगा मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो शायद याद होगा मैंने एक ट्रैक दिखाया था कि टेस्टिस से कैसे स्पर्म जा रहे थे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए,
पहले वास डिफरेंस से होते हुए फिर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले हिस्से से होते हुए याद आ रहा होगा, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब ग्लैंड मैंने वहां पे दिखाई थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों का सिक्रीशन, उन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या बना रहा था, सीमेन बना रहा था, और यहां से क्या जा रहे थे, स्पर्म जा रहे थे। अब वहां पे क्या इसको कट कर दिया जाता है, जब इसे कट कर दिया जाता है तो सीमेन तो इसमें रिलीज होता है परंतु उसमें स्पर्म अब्सेंट होते। बेसेक्टोमी, बेसेक्टोमी दो टाइप की होती है, कॉन्वेंशनल और नॉन स्केपल। इसको माना जाता है कि इसको रिवर्स किया जा सकता है, मगर ये भी उतना सक्सेस नहीं है, इसलिए ये सब तो इतना याद नहीं रखना है, केवल उतनी बात आपको याद रखनी है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, उस प्रोसेस को ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। क्या लिखा है, टू लाइगे फेलोपियन ट्यूब। तो ये सारी बातें इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना अच्छे से पढ़ लेना। बेसेक्टोमी मेल में होती है फीमेल में, ट्यूबेक्टोमी मेल में होती है फीमेल में, तो याद होना चाहिए बेसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल में, तो इससे ज्यादा नहीं जानना है।